फ्रेंड्स, दिस इज विष्णु गांसिंग, वेलकम यू ऑल इन एडमिशन मीडिया। जैसा कि मैंने बताया था, ऑलरेडी आपके नीट पीजी के लिए काउंसलिंग शेड्यूल आ चुकी है। नीट यूजी बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक आपकी काउंसलिंग के लिए कोई अपडेट तो नहीं ही आया है, लेकिन पीजी के काउंसलिंग के लिए एक और बड़ी अपडेट आई है। आई एम श्योर आप तक ये नोटिस पहुंच चुकी होगी, अगर नहीं पहुंची होगी तो मैं बता रहा हूँ, स्टेट काउंसलिंग के शेड्यूल आ चुके हैं। जी हाँ, स्टेट काउंसलिंग की कब से क्या डेट होने वाली है वो एक ओवरऑल डेट आ चुका है, एक रिव्यू आ चुका है, उस पर मैं इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, साथ में अगर आप अपने लिए पेड काउंसलिंग की सर्विसेज देख रहे हो तो फॉर डैट यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट अस, फॉर डैट यू कैन कॉल अस और व्हाट्सएप एट 9545955519। हमारी टीम काफी साल से बच्चों के मार्क्स के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग, लोएस्ट टू द लोएस्ट बजट में उनको उनके फेवरेट ब्रांचेस में सेटल आउट करते हैं। तो इन चीजों के लिए आप हमसे भी बात कर सकते हो, हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। साथ में इसमें देखेंगे कि इस स्टेट काउंसलिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके रिवाइज कट ऑफ के लिए। प्लस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है, रिवाइज कट ऑफ क्या होगा, कितना होगा। इवन अब आपको यहाँ पे भी जो मैं पहले बताता उस नंबर में भी आपको यहाँ पे भी चेंज दिख रहा होगा, जिसको भी देख लो आप। इवन ये चेंज मैंने क्यों किया है, क्या पॉसिबिलिटीज है इसकी, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बना रहा हूँ, उस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लस स्टेट काउंसलिंग के इस डेट के बाद क्या इफेक्ट पड़ने वाला है रिवाइज कट ऑफ की आपकी नीट पीजी 2022 के लिए, इस पर भी मेरी वीडियो बहुत जल्द मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप उन वीडियो को भी जरूर देखो। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर मैं बात करूँ काउंसलिंग शेड्यूल की, तो ऑलरेडी आपको एमसीसी की काउंसलिंग शेड्यूल मिल चुकी थी। मैं बात करता हूँ स्टेट की, स्टेट काउंसलिंग टू बी कंडक्टेड बाई रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज। पहले राउंड की मैं बात करूँ तो इट विल बी फ्रॉम 20 जनवरी टू 24 जनवरी 2022। जी हाँ, वहीं पे अगर मैं पीजी की बात करूँ ऑल इंडिया के अंदर, तो इट विल बी फ्रॉम 12 जनवरी टू 21 जनवरी, मतलब कि दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल चलने वाली है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग विल बी 22 फरवरी 2022 अंडर द स्टेट कोटा। वहीं पे मैं बात करूँ सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की, तो 10 फरवरी से 15 फरवरी तक आपकी राउंड टू की काउंसलिंग चलने वाली है, और 21 तक आपको ज्वाइनिंग कर लेना है, वरना आपकी सीटें वो चली जाएंगी। नाउ द बिगर थिंग इज दैट मॉपअप राउंड विल बी 25 to 28 फरवरी इन डिफरेंट स्टेट्स, बट आपके जो रिवाइज कट ऑफ आते हैं वो आपके सेकेंड राउंड के बाद आएंगे। और वहीं पे अगर मैं मॉपअप राउंड ऑल इंडिया की बात करूँ, तो इट विल बी 24 फरवरी to 4 मार्च। जी हाँ, दोनों जब तक आपके रिवाइज कट ऑफ आएंगे, सारे स्टेट्स के राउंड वन और राउंड टू कंप्लीट हो चुके रहेंगे, तो आपके लिए ऑप्शंस बनेंगे केवल और केवल मॉपअप के लिए। इस पर मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि एक अलग वीडियो आएगी, उस पर आप सारी चीजें देख सकते हो, क्या सिचुएशन होगा, क्या चीजें होंगी, उस पर मैं डिस्कस करूंगा कंप्लीट। बट अगर मैं बात करूँ लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए स्टेट के अंदर, तो इट विल बी फ्रॉम 2 मार्च 2022। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी के लिए, तो आपकी जो स्टेट काउंसलिंग की स्टे वैकेंसी राउंड होगी, डेट विल बी फ्रॉम 6 मार्च 2022। मतलब कि ओवरऑल देखें तो 26 मार्च तक आपकी टोटल काउंसलिंग कंप्लीट की जाए कर दी जाएगी। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इसका क्या इफेक्ट होगा आपके नीट पीजी 2022 पे, जो लेटेस्ट एग्जाम आपका होने वाला है और रिवाइज कट ऑफ पे, उसके लिए एक अलग वीडियो आएगी, तो वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए रिगार्डिंग काउंसलिंग, या आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फॉर डैट यू कैन कॉन्टेक्ट अस। और आपके अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको हमारे कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई नहीं मिला, तो वी आर रियली सॉरी फॉर डैट, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू रिप्लाई यू, टू रीच टू यू। बट अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप करो, वी विल बी श्योरली देयर विल बी ऑनलाइन टू रिप्लाई यू, एज वेल एज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडमिशन मीडिया को ज्वाइन करके रखो, जिसमें आपके जो भी लेटेस्ट अपडेट रहते हैं वो मैं कॉन्टिन्यूसली वहां पे पोस्ट करता रहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।